हे गाइस, कैसे आप सब। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक नई रोम लाया हूँ, Xiaomi EU का ओरियो पोर्ट लाया हूँ। अगर आप मुझे YouTube पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने उसमें एक पोल लगाया था कि ओरियो रोम आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो कितने लोगों ने ये बताया था कि हाँ भाई, मुझे ये रोम जो है वो चाहिए। तो मैंने ओरियो का एक रोम पोर्ट बनाया है। ये दोस्तों मेरा पहला पोर्ट है, ओरियो में मुझे इतनी जानकारी नहीं है जितनी कि पाई में है। तो इसमें थोड़े से बग्स वगैरह जो है वो आपको सेम पाई की तरह देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट बीटा वर्जन जो MIUI का है, 9.6.27 बीटा वर्जन, उसके ऊपर बनाया गया है। इस पर आपको 8.1 वर्जन मिल जाता है एंड्रॉयड का। उसी के साथ सिक्योरिटी पैच वगैरह आपको लेटेस्ट मिल जाएगा और ये फ्रेंको कर्नल बेस्ड आपको मिल जाएगा। इस रोम को दोस्तों आप अपने किसी भी Xiaomi डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका जो वेंडर है उसके हिसाब से आपको बग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सभी डिवाइस में बग्स जो है वो सेम नहीं रहेंगे। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि Xiaomi EU क्या है, तो ये दोस्तों एडवांस रोम है, यानी कि जो ऑफिशियल MIUI आती है उसमें एड्स वगैरह आती है, थर्ड पार्टी के एप्स वगैरह आते हैं, पर आपको इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर वोल्टी की बात करते हैं। तो दोस्तों वोल्टी में मैंने वीडियो कॉलिंग करने की ट्राई की, पर यहाँ पर वीडियो कॉलिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर अगर हम दूसरे मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो भी यहाँ पर नहीं हो रहा, यानी कि वीडियो कॉलिंग का एक आपको इसमें बग देखने को मिलेगा। पर मैं इसको जल्दी ही जो है वो फिक्स कर दूंगा और आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कैमरा में, तो कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो हो रही है, पर रेडमी नोट 4 में यहाँ पर कोई भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं है जैसे कि ऑफिशियल रोम में होता है। तो ये दोस्तों दूसरा बग है हमारा। अगर आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह यूज़ करना है तो आप GCam को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्विक सेटिंग में, तो टॉर्च वगैरह जो है वर्क कर रहा है। और दोस्तों मैंने इसमें एक ऐप लगाया हुआ है जिसकी मदद से आप ना जो नाइट मोड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नाइट लाइट नाम का एक ऐप है, उसको रूट की परमिशन दे देनी है, तो आप रीडिंग मोड को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेटिंग में, तो डिस्प्ले सेटिंग वगैरह जो ठीक ठाक वर्क कर रहा है, और साउंड एंड वाइब्रेशन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट की और फेस डेटा की। तो फिंगरप्रिंट आपके जो भी आप वेंडर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर है। अगर वेंडर अच्छा है तो शायद जो है वो ये वर्क करेगा, अगर वेंडर में कुछ प्रॉब्लम है तो ये वर्क नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आपके डिवाइस पर फेस लॉक वर्क नहीं कर रहा, आपके पास कोई भी डिवाइस है उस पर आप ये रोम को इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे को इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका फेस डेटा वर्क नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक फिक्स जो है वो अवेलेबल है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूँगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थीम मैनेजर में थीम्स की, तो आप कोई सी भी थर्ड पार्टी थीम है उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको उसके जो MTZ फाइल है उसको इम्पोर्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है। आपको कुछ भी MI अकाउंट डालना वगैरह नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वॉलपेपर की, तो कोई सा भी वॉलपेपर है उसको आप लॉक स्क्रीन पे या फिर होम स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। इसका दोस्तों फिक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आपको फिक्स जो है वो इंस्टॉल करना रहेगा। अगर आप फिक्स इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आपको यूट्यूब का वेनिस्ट वर्जन, कुछ और ऐप्स जो है वो आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे, जैसे कि मैजिक एसके का मैनेजर जो है वो भी आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडवांस पावर मेनू भी एक्टिव करना है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको डेवलपर ऑप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसको भी जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये रोम अच्छी लगी है और डाउनलोड करना है इसको, तो इसके लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके आप इस रोम को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि दूसरे डिवाइस पर इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना।